बालको नगर के एमजीएम स्कूल के विद्यार्थियों ने बालको संयंत्र देखा। ये छात्र जूनियर वर्ग के थे। नए और पुराने संयंत्रों को देखकर विद्यार्थियों में उत्साह की लहर दौड़ गई। उन्होंने बालको अधिकारियों से एल्यूमिनियम बनने की प्रक्रिया से संबंधित अनेक सवाल पूछे। बालको अधिकारियों के आत्मीयतापूर्ण व्यवहार से सभी अत्यंत प्रभावित हुए। एमजीएम स्कूल के बच्चों ने बालको संयंत्र की एलुमिना इकाई, सेल हाउस, पॉट रूम, 540 मेगावाट बिजली संयंत्र और नए कास्ट हाउस की कार्यविधि देखी। अधिकारियों ने बच्चों को विभिन्न मशीनों की कार्यप्रणालियों से अवगत कराया। एमजीएम के विद्यार्थियों और शिक्षकों ने बालको संयंत्र देखकर प्रसन्नता जाहिर की। उन्होंने कहा कि संयंत्र की कार्यप्रणाली उच्च कोटि की है। क्षेत्र में विश्व स्तरीय एल्युमिनियम उत्पादक संयंत्र का होना सभी के लिए गौरव की बात है। इस प्लांट को देखकर मुझे ऐसा महसूस होता है कि मैं भी खूब पढ़ूं, खूब अपने माँ बाप का नाम ऊँचा करूँ, अपने स्कूल का नाम ऊँचा करूँ, अपने देश का नाम ऊँचा करूँ और इस प्लांट में कुछ अपना सेवा प्रदान कर सकूँ। हम अपने बच्चों के साथ स्कूल की तरफ से प्लांट विजिट के लिए आए हैं। इसके लिए हम मैनेजमेंट के बहुत बहुत आभारी हैं। हमारे बच्चे और हमारे टीचर ये नए प्लांट को देख के अति उत्साहित हैं, क्योंकि ऐसा पहली बार उनको देखने को मिला है। अभी तक हम लोगों ने जो भी देखा था पुराने प्लांट में,
जब पुराने समय पे विश्वकर्मा पूजा वगैरह होता था तब थोड़े थोड़े पार्ट्स को देखते थे, पर आज एक साथ हर जगह का जो अवलोकन करने को मिला है बहुत ही सुंदर अति उत्तम लग रहा है। नया प्लांट खास करके ये पहली बार देख रहे हैं और वहाँ के जो टेक्नोलॉजी है कंप्यूटर बेस्ड कंप्यूटराइज्ड जो है वो देख के हम चकित हैं कि किस तरह से स्वचालित कार्य हो रहा है बिना किसी मजदूर के। देख के हम खुद दंग होके वहाँ 5 मिनट ठहर के देख रहे हैं कि कैसे चल रहा है क्या है, बहुत ही हम आश्चर्यचकित हुए हैं। और ये ऊंचाई चिमनी के देख कर बच्चे अपने गर्दन पीछे किए हुए आश्चर्य में डूबे हुए हैं कि इतनी लंबी चिमनी जो हम दूर से देखते हैं तो छोटी लगती है और आज यहाँ खड़े होकर देख रहे हैं तो इतनी विशालकाय और इतनी लंबी है। बहुत ही अति उत्तम अनुभव हमें प्राप्त हुआ है, हम इसके आप बहुत बहुत आभारी हैं आप सबके। आपके बालको मैनेजमेंट को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ क्योंकि इतने बड़े प्लांट को देखने का सुअवसर हमारे छोटे छोटे बच्चों को मिला है जो बहुत ही चाहने पर भी नहीं मिलता है, लेकिन इतने कम समय में छोटे बच्चों ने इतने सारे अच्छे अच्छे चीज़ देखे। और मैं सोचती हूँ कि सब बच्चों को कुछ तो कुछ मन में जागृत हुआ ही होगा कि कल को हम भी ऐसी कंपनियों में काम करके देश का सही है जहाँ जिस धरती पर पैदा हुए बालकों में स्पेशली और वहीं जाके कुछ बन के दिखाने का उनका सुअवसर मिलेगा। इसलिए मैनेजमेंट हर स्कूल के छात्रों को ऐसे कुछ कुछ मौके दे ताकि उनमें कुछ उत्साह पैदा हो ताकि वो कुछ आगे बढ़ने की कोशिश होगी। प्रैक्टिकली देखना अलग होता है, थ्योरी पढ़ना अलग होता है, और प्रैक्टिकली देख के मैं सोचती हूँ हर बच्चा कुछ ना कुछ उनके मन में जागृत हुआ ही होगा कि हम भी कल को कुछ बने। इसलिए मैनेजमेंट को हमारी पूरी शिक्षिकाओं की तरफ से पूरा स्टाफ के तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद, और बीच में भी ऐसे ऐसे मौके देते रहे ताकि हर बच्चे में कुछ उत्साह वर्धन हो। धन्यवाद।